नमस्कार, आरपी टीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश दवाने और आइए नजर। कोतवाली थाना पुलिस टीम ने रविवार को ग्राम करी और स्थानीय रामकलेश्वर बड़वानी में कार्रवाई कर अवैध शराब की जब्त। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के दौरान एसपी निमेश अग्रवाल के निर्देशन में अवैध शराब बेचने वालों पर कोतवाली थाना प्रभारी राजेश यादव द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रविवार को पुलिस को सूचना मिलने पर दो अलग अलग जगह दबिश दी, जिसमें ग्राम करी से हेमला बामनिया के द्वारा घर से शराब बेचे जाने पर शराब जब्त की है, अंग्रेजी शराब जब्त की है। वहीं जबकि स्थानीय रामकिलेश्वर से विजय चौहान के घर से भी शराब जब्त की है। उक्त दोनों मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया है। ये लगातार देखिए लॉकडाउन है और लॉकडाउन में एसपी साहब के सख्त निर्देश है कि कहीं भी अवैध शराब नहीं बिकना चाहिए। उन्हीं निर्देशों के पालन में आज हमको सूचना मिली थी दो अलग अलग जगह। पहली करी में मिली थी कि करी में जो हेमला बामनिया है, ये अपने घर से शराब बेच रहा, जो पुलिस टीम वहाँ भेजी थी, तो वहाँ से एक पेटी शराब और अन्य अंग्रेजी शराब मिली थी। इस प्रकार 2300 रुपये की शराब उसके यहाँ से जब्त हुई है। और दूसरी सूचना मिली थी कि रामकुल्लेश्वर में जो विजय चौहान नाम का लड़का है, ये भी शराब बेच रहा है, तो वहाँ भी टीम भेजी थी, तो वहाँ से बियर और अन्य अंग्रेजी शराब मिली है, जो करीब 4300 रुपये की है। इस प्रकार से दो अलग अलग कार्रवाई हुई है और इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और जो भी इस प्रकार से लॉकडाउन में अवैध शराब रखेगा या बेचेगा, उसके खिलाफ लगातार इस प्रकार से कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आरपी टीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही आरपी टीवी की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।